आज हम इस बॉक्स का यूज करके बनाने वाले हैं एक इन्वर्टर, जैसा कि आपने शुरुआत में देख लिया था। तो इस बॉक्स को हमने फेविकोल से जोड़ लिया है और हम इसको घर के कचरे से बना रहे हैं, मतलब जो कि आप फेंके रहते हैं। तो ये हमारी टीवी का बॉक्स है और काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था, तो हमने इसको यूज में लिया है। तो चलिए, हमने इसे फेविकोल से चिपका लिया। आपके पास ग्लू गन हो तो आप उससे भी चिपका सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें बैटरी को सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर काफ़ी सारी बैटरी पड़ी है, तो इन सब बैटरी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम जो बाइक में बैटरी होती है पुरानी वाली उसे यूज कर रहे हैं। और ये बैटरी जब ख़राब हो जाती है उसके बाद भी एक साल का जो रिकवर टाइम हो उसे दे देती है, और काफ़ी मस्त चलती है बैटरी और काफ़ी पावरफुल भी होती है। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल साइड टेप मार के यहाँ पर साइड में लगा देंगे, यहाँ पे डबल साइड टेप मार के लगा देंगे, लेकिन अभी ऐसे ही रहने देते हैं। और इसमें दो बार यहाँ से निकाल लेंगे, दो बार, चलिए निकाल लेते हैं दो बार। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा जो बैटरी लग गई है, यहाँ पर बैटरी हमने लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसे ऐसे सेट करना है, मतलब आपको ऐसे सेट करना है कि एक तरफ चार्जर भी फिट हो जाए। जो हम ट्रांसफार्मर आपके पास हो आप ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम 12 वोल्ट चार्जर का यूज करेंगे। हमारे पास ट्रांसफार्मर भी है, लेकिन अभी हम ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हो, जैसे आपके पास जो सुविधा हो। तो ये ट्रांसफार्मर इधर या मशीन इधर हम लगाएंगे, तो हम आपको मशीन दिखाते हैं। तो हमारे पास काफ़ी पुरानी मशीन पड़ी थी, तो इस मशीन को भी हम साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसके ऊपर का हिस्सा है, तो हम इस पर ये जो ये 5 पिन सॉकेट है इसको फिट करने के लिए यहाँ पे कट कर लेंगे। तो चलिए दो साइड कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो एक 5 पिन सॉकेट के लिए और एक होल्डर के लिए बना लिया। तो हम इस साइड से सेट करेंगे कुछ ऐसे, चलिए इसमें लगा लेते हैं। आपको क्लीन नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो लाइट बढ़ रही है उसका रिफ्लेक्शन कैमरे पे आ रहा है। तो चलिए इस पर लगा देते हैं 5 पिन सॉकेट। तो ये रहा हमारा 5 पिन सॉकेट, तो इसे हम ऐसे लगा देते हैं। इसमें नट कस लिया है और एक बटन भी लगा दिया है जो ऑन ऑफ के लिए काम आएगा। तो हम क्या करेंगे, काफ़ी सिंपल इन्वर्टर बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हम इसको जो एक बैटरी का वायर है वो हम डायरेक्ट इसके माइनस में जोड़ देंगे, मतलब बटन में एक वायर जोड़ देंगे, प्लस का एक वायर बटन में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जोड़ लेते हैं बटन में एक वायर। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों में से दो दो एक एक वायर ऐसे करके और ऐसे करके निकाल लेंगे, जैसे कि अभी आप देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, एक वायर इसमें गया है, इसमें से एक वायर निकला, और एक वायर इसमें गया, इसमें से एक वायर निकला है, और ये दोनों वायर इन्वर्टर जो मशीन है उसमें जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने जो एक वायर बैटरी का प्लस वाला इसमें लगाया है बटन में, इसमें से एक वायर निकल कर हमारे ये जो मशीन है हमारे मशीन के प्लस वाले वायर में जाएगा। तो हम आपको मशीन दिखा देते हैं। मशीन आपको बहुत सस्ते मिल जाएगी फ्रेंड्स, हमने हमारे पास पुरानी पड़ी हुई थी। तो आपको जैसे हमने पहले दिखाया है, मशीन बस 250 में मिल जाती है फ्रेंड्स, ऐसे लोकल मार्केट से। और अगर आप ऐसे लोगे तो 350 की आती है। तो फ्रेंड्स, ये वाला इसका प्लस वाला है, देखिए इधर प्लस माइनस होता है, जिधर ये डायोड या कुछ भी लिखा रहता है, ये दोनों जो छेद रहते हैं इसके आसपास ही रहता है, इधर प्लस रहता है। तो चलिए हम प्लस में जोड़ लेते हैं, या इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है। तो एक वायर इसमें से निकाल के डायरेक्ट प्लस में जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे प्लस वाला वायर जोड़ दिया, और जो बैटरी का माइनस वाला वायर है ये वायर, इसको हम डायरेक्ट माइनस में जोड़ देंगे मशीन के। यहाँ पे माइनस में जोड़ देते, चलिए जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने माइनस का वायर जोड़ लिया है, और अब हम क्या करेंगे, ये जो दो वायर निकाल लेते हैं, इन दोनों वायर को मशीन में जोड़ लेंगे। तो यह देखिए, इधर इधर आउटपुट लिखा होता है मशीन का, देखिए आपको दिख रहा होगा आउटपुट। तो इधर से आउटपुट मिलता है मशीन को, और यहाँ से देखिए दो वायर ये रहा आउटपुट का, दो वायर ये, छः कुल मिला के 6 वायर, लेकिन हम इन दोनों वायर में आउटपुट के वायर जोड़ देंगे। यहाँ पे दो वायर में जोड़ देंगे फ्रेंड्स, चलिए जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दोनों वायर जोड़ दिए हैं, और ये इन्वर्टर आधा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी चार्जिंग पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आजा भाई, आ गया यार खींचते खींचते। तो ये हमारे पास एक पुराना अडाप्टर पड़ा हुआ है, और इसमें से ये दो वायर हमने निकाले हैं, और ये इसका पिन है। तो हम पहले यहाँ से पिन को छुड़ा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पर डबल साइड टेप मार लेंगे, चलिए डबल साइड टेप मार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक होल कर लेते हैं जिससे वायर अंदर जाएगा, तो चलिए एक होल कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक गार्ड लगा ली जिससे वायर खींचने पर बाहर निकले और टूटे ना। और चलिए ये दोनों वायर शोल्डर कर लेते हैं, इसका जो ये वायर है शोल्डर कर लेते हैं।
और ये हमने वायर जोड़ लिया। अब चलिए इसे यहाँ पे साइड पे चिपका लेते हैं। और फ्रेंड्स अब हम इस पे यूज करेंगे एक डायोड, जिससे कि पावर वापस इस मशीन में मतलब इस चार्जर में लौट के ना आए, नहीं तो बैटरी बहुत जल्दी उतर जाएगी। चलिए एक डायोड लगा लेते हैं इसके प्लस वाले में। तो यहाँ पे हमने डायोड काफ़ी हैवी लिया है, तो इसका जो माइनस वाला है इसके रेड वाले वायर में मतलब प्लस में, इसका माइनस वाला टर्मिनल जोड़ देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने जो प्लस का वायर है हमने डायोड में लगा के यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिया है माइनस वाले साइड में। आपको वायरिंग देखते, बहुत ईजी वायरिंग है फ्रेंड्स, कोई भी कर लेगा। और जो ये माइनस वाला है डायरेक्ट माइनस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ के सोल्डर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सोल्डर कर दिया। अब इस पर हम डबल साइड टेप मार देंगे। चलिए डबल साइड टेप मार लेते हैं और इसे चिपका देते हैं। तो हमने डबल साइड टेप मार लिया। चलिए अब इसे इस साइड पर चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मशीन को चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे बैटरी को इधर ऐसे कर लेते हैं और बैटरी को चिपकाएंगे। तो क्या करेंगे, हम ग्लू गन को सहायता से इसे नीचे चिपका लेते हैं। चलिए चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बैटरी को चिपका दिया है। तो चलिए अब इसे लगा लेते हैं हॉट ग्लू की सहायता से। और फ्रेंड्स अभी हमारे पास ग्लू गन नहीं है, अगर आप कमेंट करोगे तो हम एक ग्लू गन पे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अब इसे चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बन के रेडी हो गए, काफ़ी सिंपल हमने बनाया, कोई एलईडी से एलईडी नहीं लगी है। और ये आपको काफ़ी मतलब काफ़ी कम रुपए में बन के मिल जाता, मतलब कि बस अगर आपके पास बैटरी तो काफ़ी बस 300 में बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। और अगर आप मार्केट में ये इन्वर्टर ख़रीदने जाते हो इतना ही काम होता है फ्रेंड्स। और ये 1800 से 2000 का मिलता है, 1800 से 2000 का, हमने सिर्फ 300 में बना के दिखाया फ्रेंड्स। तो चलिए अब इससे हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो पहले इसमें एक बल्ब लगा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने थोड़ा अंधेरा कर दिया है यहाँ पे। और ये फ्रेंड्स हम इसमें पहले 12 वाट की एलईडी लगा के देखते हैं, जलती कि नहीं। ये 12 वाट की एलईडी है। तो ये हमने लगा के बटन चालू किया और देखिए फ्रेंड्स काफ़ी ब्राइट फ्रेंड्स, और कोई आवाज़ नहीं फ्रेंड्स इसमें, चूँ चूँ या मतलब जो भी आवाज़ आती है कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। हमने स्पीकर एकदम पास किया है और काफ़ी ब्राइट बढ़ रहा है। चलिए अब इससे भी बड़ी एलईडी लगा के देखते हैं। और ये रही एक और एलईडी, ये भी इससे बहुत बड़ी है, उस इसके साइज में। ये देखिए फ्रेंड्स ये रही बड़ी एलईडी और ये छोटी एलईडी, काफ़ी अंतर फ्रेंड्स दोनों में। तो चलिए बड़ी वाली लगा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने लगाया और ये बटन ऑन। और फ्रेंड्स ये थोड़ी टाइम में जली, लेकिन ये भी काफ़ी ब्राइट बढ़ रही, जितनी भी बढ़नी चाहिए जलनी चाहिए। और इसे हमने निकाल दिया फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स, और इसका ये जो 5 पिन सॉकेट है ये भी ऑन है फ्रेंड्स। चलिए हम आपको इस टेस्टर से चेक करा देते हैं, हमने कोई तार नहीं खोसा है फ्रेंड्स। ये देखिए इसका तार ये रहा, आप सोच रहे होगे फेक होगा फ्रेंड्स, लेकिन कोई फेक नहीं है। और अवश्य हम टेस्टर से चेक करेंगे इसमें करंट आ रहा है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इन्वर्टर ऑन है, आप देख सकते हैं। और तार ये रहा फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा तार यहाँ पर है। और ये हमने इसमें लगाया टेस्टर, और यार इसमें करंट नहीं बता रहा है ये क्या, लेकिन फ्रेंड्स लगता है हमारा टेस्टर ख़राब है फ्रेंड्स। चलिए हम एलईडी बार के देख लेते हैं जल रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स एलईडी जल रहा है, लेकिन हमें लगता है हमारा टेस्टर ख़राब है। हम पहले इसे रियल बोर्ड में लगा के देख लेते हैं, रियल बोर्ड में तो जल रहा है यार। तो फ्रेंड्स लगता है कि ये तो टेस्टर ये काफ़ी पावर कंज्यूम करता है, इसलिए नहीं जल रहा है। और जो ये हमारी एलईडी है मतलब ये जो इन्वर्टर बना है, ये आपको 120 से 130 वाट तक देती है करंट, जिससे आप अपने मोबाइल चार्ज एलईडी टीवी भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, हम इससे आपको एलईडी टीवी भी चला के दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो लगा तो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी से हम चाय लगा के देख लेते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ये हमने ये यहाँ पे हमारा प्लग है और इसमें हम तार खोज देते हैं फ्रेंड्स। ये हमने तार खोज दिया है, तार यहाँ पे प्लग हो गया। और देखिए फ्रेंड्स अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही फ्रेंड्स, और ये इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। अंदर एक ग्रीन लाइट जल रही है जो कि आपके आपको बाहर से नहीं दिखेगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फ्रेंड्स।